भागलपुर बरारी पुल घाट पर एक लड़की ने आत्महत्या की नियत से लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। भागलपुर बरारी पुल घाट पर एक लड़की नदी में डूबने जा रही थी। नदी में डूबता देख स्थानीय लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। जब बच्चे से उसका नाम पूछा गया तो उसने पहले अपना नाम बताने से मना किया, लेकिन बाद में अपना नाम नीतू तथा घर मिर्जान हाट बताया है और ये भी बताया कि घर में मां के मारने से वो गुस्सा होकर नदी में अपनी जान देने आई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बरारी थाना तथा जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह को दी। मौके पर पहुंचे अजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सोसाइटी इस तरह की दुर्घटना पर काम करती है। पिछले 3 साल से यहां किसी को नदी में डूबने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित करती है, साथ ही साथ बचाने वालों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करती है, जिससे यहाँ नदी में डूबने वालों की संख्या कम हो गई। हम लोगों ने यहाँ ट्यूब की व्यवस्था कर दी है, जिससे डूबते हुए लोगों को बचाने में आसानी हो। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। क्या हुआ था यहाँ पे? वही कूदने जा रहे थे तो हम गए तो इसको निकाले, पानी में था, इतना पानी में था। अच्छा, तो आप बचाए इसको। तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आप डूबने वाले को बचा लेते हैं? रो रही थे, रो के और बोल रहे थे कि जब इसको पकड़े ना तो बोला कि नहीं हमको डूबने दीजिए, हम मरने आए हैं। अच्छा, पहले डूबे अखनी अब नहीं डूबे छे, बची जाए छे, आरो की बोलवा के आईना सहायता करे छे डॉक्टर साहब? आरो की डॉक्टर अजय साहब? हम तो नाम नहीं जाने छे। हम बोल डॉक्टर साहब करे छे? डॉक्टर साहब चार देने छे एगो ट्यूब। हां देला छन, हफ्ता दिन पहले देख गेलो छन। हफ्ता दिन पहले देख गेलो? ओकरा से मदद मिले छे? हां मदद होय छे। डूबे उबे छे तो ट्यूब फेकी बचवे पड़े। हां की नाम? हमरो नाम परमिला देवी। क्या नाम है? मनीष कुमार। क्या घटना हुआ था यहां पे? अभी लड़की गया वहां पे कूदने कूदने आ रहा था, लेडीज से रोका इसको, बोला कि कहां के लिए जा रहे थे? बोला कि हम डूबने जा रहे हैं, गुस्सा से आ गए, अगर घुस गया जबरदस्ती पानी में, तभी लेडीज जाके जबरदस्ती उसको हिच के लाया, फिर डूब के जा रहा था। पहले देखा जाता था ऐसी घटना होती थी तो लोग डूब ही जाते थे, मर जाते थे, और अब उसे बचा लिया जाता है। कैसे प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा यही मिलता है, डॉक्टर अजय कुमार है मेरा सर है, वो 3 साल से हम लोग का पुरस्कार देता है, इसलिए आप लोग को प्रेरणा मिलता है। मदद करते हैं आप लोग तक पहुँच के? जी, हम लोग का कहाँ से होता है, वहाँ तक मदद करते हैं। कितने बजे की घटना है लगभग? जी 2 बजे का। जैसा कि पता चला हमें कि यहाँ पर एक लड़की आई थी और वह डूबने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ एक महिला ने उसे बचाया और उसे फिर बचा के बाहर किया, फिर डूबने जा रही थी तो इस तरह से उसको बचा लिया गया। आपकी जो सोसाइटी है सर, जीवन जागृति सोसाइटी, वो इस सब दुर्घटना में किस तरह से बढ़ चढ़कर सामने आती है, मदद कर? पहले तो हम लोग ये समझाए कि हम लोग जैसे कि कोई NH किनारे रहता है, सड़क किनारे रहता है तो वहाँ का मजा लेता है, वहाँ दुकान खोलता है, ये करता है, कुछ करता है, रोजगार चलाता है। आप गंगा किनारे, इन लोगों को समझाएं कि आप गंगा किनारे रहते हैं, यहाँ से जो भी होता है आपका रोजगार चलता है, तो आपका धर्म बनता है कि आप इनको जो ऐसे कभी डूबने आता है, कूद गया तो उसको बचाइए। पहले तो अपना कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को डूबने से बचाएँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पर सहायता मित्र बनाया मुकेश को, और उसके अंदर जो है सारे लोग काम, अंडर नहीं, उसके सहयोग से काम करते हैं, और जिसको जब भी मौका मिलता है वो डूबने से बचा लेता है। इसको हम लोग आके पारितोषिक देते हैं हर बार प्रोत्साहन के रूप में। प्रोत्साहन के रूप में हम लोग 500 रुपया देते हैं, कुछ ज़्यादा भी देते हैं, और बीच बीच में मदद भी करते हैं। ये दुकान भी हमने खुलवाया है इसको पूंजी देकर, चूँकि ये खुद बल्ला है तो ये खुद बैठा रहता है, और आज संजोग से वो खाना खाने गया था तो जिस दूसरे थे वो बचा लिया।